अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वरदा श्वेब और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ मेहरान अल्टीमेट टेस्ट विद शेफ वरदा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बनेगी मेहरान के मसालों से। इसमें हम यूज़ करेंगे मेहरान के मुख्तलिफ मसाले। अमूमन हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हम डाइन आउट के लिए जाते हैं, तो हम बहुत शौक से खाते हैं ढाबों पर बनने वाली दाल फ्राई। लेकिन हर बार हम नहीं जा सकते, कभी कभी दिल चाहता है घर पर भी कि हम वो दाल फ्राई खाएँ, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। वो टेस्ट कैसे आए? वो टेस्ट आएगा मेहरान के मसालों से, और हम बनाना सिखाएंगे आपको ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है माश की दाल। एक कप माश की दाल को अच्छे तरीके से भिगो दीजिए, उसको बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त आपने उसमें थोड़ा सा नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा इसमें। ऑयल हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि एक दाल की अपनी एक कहते हैं स्मेल होती है, एक हमक सी आती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये एक टिप है जो मैंने शेयर की आपके साथ। तो दाल को मैंने बॉईल करके इसको स्ट्रेन आउट करके रख लिया है। क्योंकि हम दाल फ्राई बना रहे हैं तो पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर ये दाल इसमें जाएगी। आप देखते होंगे जब भी हम ढाबों वगैरह पे इस तरह से जाते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, तो ये दाल उनके पास ऑलरेडी बॉईल हुई भी होती है। हम मसाला तैयार करते हैं फटाफट, दाल में मसाले में दाल को डालते हैं और आपको सर्व कर देते हैं। जनाब यहाँ पे मैंने पैन गरम पे लगा लिया है। मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ करूँगी। आप चाहे आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑयल के साथ आप 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है अराउंड 1/2 कप ऑयल, और उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम ऐड करेंगे, मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं किया इसमें हमने। इसमें टमाटर ऐड किए, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे साबुत गोल मिर्च 4 से 5 अदद, वो जाएंगे इसमें। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे मेहरान का लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हीटफुल भर के डालना है आपने इसमें। बहुत अच्छा सा इसका अरोमा आएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मेहरान की जिंजर गार्लिक पेस्ट की खास बात ये है कि बिल्कुल फ्रेश होता है, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल या कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर शामिल नहीं है। ये प्योर लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे कि हम घरों में बनाते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ को आसान कर देता है। अब घर में आप सारे लहसुन लेके आएँ, छीलें, फिर उसको ग्राइंड करें, उसका पेस्ट बना के रखें, तो थैंक्स टू मेहरान हमारी लाइफ इतनी ईजी कर दी है। अच्छा ये देखिए, जैसे ही टमाटर मैंने इसमें ऐड किए, अब बारी आती है इसमें मेहरान के मसाले ऐड करने की। मेहरान के मसालों की बहुत एक बड़ी वसी रेंज है, इसमें तमाम मसाले शामिल हैं। वैसे मेहरान के पास शाही दाल मिक्स मसाला भी मौजूद है, लेकिन अमूमन जब हम दाल चावल बनाते हैं उसमें अगर आप एक अच्छा फ्लेवर देना चाहें तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मसाले ऐड करना शुरू करती हूँ। मेहरान का रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, फिर चटपटी सी दाल बनेगी। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मेहरान का धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, मेहरान की काली मिर्च 1 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम इतना थोड़ा सा भूनेंगे कि मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। हम मेहरान के मसाले बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहरान की सबसे ख़ास बात ये है कि मेहरान के किसी भी मसाले में किसी भी किस्म के कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर शामिल नहीं है। अमूमन हमारी कोशिश होती है जब भी हम अपनी फैमिली के लिए कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो हम सोचते हैं सबसे पहले कि इससे हमारी फैमिली कोई नुकसान तो नहीं होगा, हमारी फैमिली के लिए क्या ये चीज़ हेल्दी है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए क्योंकि मेहरान के तमाम प्रोडक्ट्स हेल्दी हैं। अच्छा जी ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं ये उबली हुई दाल शामिल कर दूंगी। ये देखिए ये दाल चली गई इसमें। दाल बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करनी कि वो बिल्कुल मशी सी हो जाए फ्राई होने के बाद। थोड़ा सा आपने उसको कहते हैं ना खड़ी खड़ी दाल रखनी है। जैसे ही पानी में बॉयल आए, आपको लगे दाल आपकी
उबल गई है, आपने स्ट्रेन आउट कर लेना है उसको। अच्छा जी, अब इसमें हम बकाया जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास है मेहरान का सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, वो हम शामिल करेंगे इसमें। मेहरान का गरम मसाला पाउडर जाएगा हाफ अ टीस्पून। आखिर में हम ऐड करेंगे मेहरान की कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इसको क्रश करके आपने इसमें ऐड करना है। इसको अच्छे से हम मिक्स देंगे और दैट्स इट। नमक हमेशा आखिर में ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये है हमारे पास यहाँ पे मेहरान का आयोडाइज्ड नमक, ये ऐड करेंगे हसबे जायका, क्योंकि आपने दाल को उबालते हुए भी उसमें नमक ऐड किया है, तो ध्यान रखिएगा कि नमक कम बढ़ती ना हो। ये देखिए जनाब, हमारी दाल रेडी है। फुल तेज आंच पे ये दाल बनती है, फ्राई होती है। आखिर में मेरे पास है यहाँ पे हरा धनिया फाइनली चॉप, वो ऐड करेंगे। हरी मिर्च है मेरे पास कटी हुई, वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, कॉर्नर्स पे ऑयल आ गया, इसका मतलब हमारी दाल रेडी है। बहुत जल्दी बनती है, तेज आंच पे बनती है। और अब आइए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये यम्मी सी आपकी ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई तैयार है। इजी और कितनी जल्दी और क्विक बनती है ना। इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेते हैं। इसको हम गार्निश करेंगे फ्रेशली चॉप हरे धनिए से, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमने पहले भी डाला था। और हरी मिर्चें, ढाबा स्टाइल दाल है तो चटपटी तो होनी चाहिए। कटी हुई ज़बरदस्ती हरी मिर्चें। और आखिर में हम अदरक इसमें ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई। अच्छा, माश की दाल में अदरक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं माश की दाल देर से हज़म होती है, बादी होती है, हज़म नहीं होती, पेट में दर्द करती है। तो इस तरह के खाने जब भी हम खाते हैं, चाहे वो निहारी हो, हलीम हो, तो आप देखिए साथ में कटी हुई अदरक लाजमी हम इस्तेमाल करते हैं। अदरक इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है और आपको पेट में दर्द नहीं होता या आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं होती डाइजेशन में। और ये देखिए जनाब, मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई तैयार है मेहरान के मसालों से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने घर पर, बताइएगा हमें कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। इसको गरम गरम नान के साथ, गार्लिक नान के साथ आप इंजॉय कीजिए, साथ में सलाद रखिए और ये दाल लगेगी आपको बहुत ही मज़े की, और सर्दियों में तो ये बहुत ही कमाल लगती है। हमें अपने फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर मज़ीद आप मेहरान की प्रोडक्ट की रेंज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल से विजिट कर सकते हैं मेहरान फूड ऑफिशियल पे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम है मेहरान फूड्स ऑफिशियल। और हमारी रेसिपीज़ के लिए आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। जनाब, इसके साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।